नमस्कार दोस्तों, फील द हिमाचल के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको माँ तारा देवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल का बहुचर्चित मंदिर है। ये मंदिर शिमला के साथ लगती चोटी पर स्थित है और शिमला शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग ये पहले से ही जानते हैं कि माँ तारा देवी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए जानी जाती है, लेकिन जो बहुत से लोगों को नहीं पता वो है माँ तारा देवी की कहानी। तो दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं का इतिहास सुनाने जा रहे हैं, जो कि यकीनन काफी रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक माँ तारा देवी मंदिर का निर्माण सेन वंश के राजाओं ने साल 1766 के आसपास कराया था, यानी कि आज से 254 साल पहले। ऐसा कहा जाता है कि करीब 250 साल पहले सेन काल का एक शासक माँ तारा देवी की मूर्ति को पश्चिम बंगाल से शिमला लाया था। उस शासक के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक माँ तारा देवी के मंदिर के निर्माण की बात है, वो राजा भूपेंद्र सेन ने करवाया था और इस निर्माण के पीछे भी एक खास वजह थी। दरअसल एक बार भूपेंद्र सेन तारा देवी के घने जंगलों में शिकार खेलने गए थे। इसी दौरान उन्हें माँ तारा और भगवान हनुमान के दर्शन हुए। माँ तारा देवी ने उनसे इच्छा जताई कि वे इस स्थल में बसना चाहती हैं, ताकि भक्त यहाँ आकर बिना किसी परेशानी के आसानी से उनके दर्शन कर सके। इसके बाद ही राजा भूपेंद्र सेन ने यहाँ मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। इस मंदिर के निर्माण के लिए राजा ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा मंदिर बनवाने के लिए दान कर दिया। मंदिर में राजा ने लकड़ी की बनी माँ की मूर्ति यहाँ स्थापित कर दी। इसके कुछ वर्षों बाद एक और शासक हुए, जिनका नाम था बलबीर सेन। सौभाग्यवश उन्हें भी माँ ने दर्शन दिए, जिसके बाद सेन ने अष्टधातु की मूर्ति यहाँ स्थापित की और मंदिर का निर्माण करवाया। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको एक कौड़ घने जंगल देखेंगे और दूसरी ओर सड़कें। सबसे अच्छी बात ये है कि अब इस मंदिर तक आने के लिए आपको बस भी मिल जाएगी। माँ तारा देवी के दर्शन के बाद साथ लगते जंगल में शिव बावड़ी के दर्शन भी जरूर कीजिए। माँ तारा देवी का इतिहास जानकर यकीनन आपकी यहाँ जाने की इच्छा और अधिक तीव्र हो गई होगी। चलिए, जब तक आपका प्लान बनता है तब तक यहीं पर माँ तारा देवी के दर्शन कर लीजिए। आज हम जा रहे हैं तारा देवी मंदिर शिमला। काफी अच्छी जगह है। हाइट पे आपको यहाँ 360 व्यू देखने को मिलेगा। शिमला, सोगी, संजौली और ढली और ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं, बर्फ से ढकी हुई। ये देखिए, देखिए यहाँ से गेट एंटर होंगे हम। गाड़ियाँ यहाँ तक आती है, यहाँ का बस स्टैंड है। ये बसेज भी आपको शिमला से आराम से मिल जाएगी या नीचे सोगी से। काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप शिमला आएँ तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। काफ़ी शांत जगह है। ये देखिए, हम यहाँ पहले भी आए थे 2011 में, तो उस टाइम तो इतना बड़ा मंदिर बना नहीं था। अब काफ़ी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं, नए गेट, ये स्टेयर्स, ये रहा मंदिर। और ये देखिए आप यहाँ से व्यूज, ये देखिए व्यू दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये नीचे
स्टैंड और पार्किंग, और नीचे गांव देखे कितने सुंदर, और वो बर्फ से ढके हुए पहाड़। यहाँ पे शूज उतारने के लिए यहाँ पे हम शूज उतार लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से ढली और संजौली, इसके शूज बच्चे के भी छोटा छोटा बच्चा बोला कि इसके शूज भी उतार दो। यहाँ की कार्यालय ऑफिस ये देखिए, आप मंदिर को देखिए जरा, हवा चली हुई है। फोटो को वेकेट एरिया है, फोटो लेना मना है, फिर बात मिलेगी आपसे। मंदिर हमें दर्शन करके आ गए हैं, जैसा कि पहले बोला कि अंदर फोटो नहीं ले सकते, हमें आपको यहाँ का बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर से मंदिर को। ये है मंदिर, पूरा वुडन वर्क है, ये देखिए। फोटो लेने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से एक और रास्ता है, ये रोड आ रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, इसके ऊपर नक्काशी की हुई है अल्टीमेट, ये देखिए आप, ये हमारे पहाड़ों के मंदिरों की शान है, ये जो इस पर वुड वर्क हुआ होता है। ये यहाँ से दूसरी साइड है, ये नीचे शिमला दिखेगा आपको थोड़ी देर में।
और मैं आपको यहाँ से शिमला दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा दिख रहा है पूरा का पूरा। वेरी गुड, ये है शिमला। जूम कर देता हूँ, ये देखिए जाखू। देखिए आप घने जंगल। ये हमारी बेटी काफी एंजॉय कर रही है। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।